सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस आज के इस वीडियो में कृष्णा जी की पगड़ी को कलरिंग करना सिखाऊंगा और थोड़ा बहुत बैकग्राउंड को भी कलर करने वाला हूँ। और इस वीडियो से पहले फेस को किस तरीके से मैं कलरिंग किया था और आउटलाइन को मैं किस तरीके से ड्रॉ किया था वो सब कुछ मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। वीडियोस की लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अभी चलो कलरिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पगड़ी में डिफरेंट स्पॉटों को ऑब्जर्व करके जहाँ पर जो भी कलर है वो कलर में वहाँ पर दे रहा हूँ और थोड़ा बहुत ब्लेंड कर रहा हूँ। और कलर सूख जाने के बाद सेकेंड लेयर में उसके ऊपर आप लोग को डार्क वैल्यूज और लाइट वैल्यूज को देना है। बाकी स्टेप बाय स्टेप एथ्रेलिक कलर किस तरीके से करना चाहिए वो मैं इस ड्रॉइंग की फेस कलरिंग ट्यूटोरियल में अपलोड कर चुका हूँ, वो वीडियो आप लोग जरूर से देख लेना। और बाकी जो भी स्टेप आप लोगों को फॉलो करना है वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बोल रहा हूँ। लाइक स्टेप नंबर वन, रिफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके जहाँ पर जो भी कलर्स आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हो वहाँ पर उस कलर से आप लोगों को कलरिंग करना है, लाइक मैं अभी कर रहा हूँ। और उस टाइम ना ही आप लोगों को डार्क वैल्यूज को देना है, ना ही आप लोगों को लाइट वैल्यूज को देना है और ना ही आप लोगों को डिटेलिंग करना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप नंबर टू, वो कलर सूख जाने के बाद अभी आप लोगों को लाइट वैल्यूज और डार्क वैल्यूज को ऐड करना है। और ये चीज़ आप लोग एकदम फाइन और इजी किस तरीके से कर सकते हो वो जानने के लिए आप लोग एक बार जरूर से फेस को मैं किस तरीके से कलरिंग किया था वो पार्ट एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। और लास्ट में उसके बाद आप लोगों को डिटेलिंग करना है। तो बस यही थ्री स्टेप मैं फुल पगड़ी में अप्लाई करने वाला हूँ। बाकी आप लोग देखो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ अभी।
अभी मयूर की पलक में भी सेम डिफरेंस पड़ो को ऑब्जर्व करके जहाँ पर जो भी कलर्स है वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। बट अभी मयूर की पलक की जो हेयर की डायरेक्शन है उस हिसाब से मैं सेटिंग कर रहा हूँ। एंड देन वो सूख जाने के बाद स्मॉल साइज की एक ब्रश से लाइट वेल्यूज के लिए येलो ग्रीन व्हाइट कलर से सेटिंग करना है और डार्क वेल्यूज के लिए ब्लैक कलर से सेटिंग करना है। बाकी आप लोग देखो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। तो बस गाइस ये भी कंप्लीट हो गई है। और अभी बैकग्राउंड को कलर करने के लिए येलो सैप ग्रीन डीप ग्रीन और ब्लैक को एक साथ इस तरीके से मिक्स करना है। एकदम ब्लेंड करके मिक्स मत करना है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ आप लोग देख सकते हो, एकदम लाइटली ऊपर ऊपर से आप लोगों को इस तरीके से करना है। एंड देन बैकग्राउंड में इस तरीके से कलर को लगाना है एकदम लाइटली। और यहाँ पर एकदम पानी यूज मत करना गाइस, जस्ट कलर को उस तरीके से लेकर डीपली पेस्ट करना है। और हाँ, इससे बहुत ही ज्यादा कलर्स लग सकता है बट बैकग्राउंड में बहुत ही अच्छे कलर की एक टेक्सचर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ओके, नाउ मैं किस तरीके से कर रहा हूँ आप लोग ध्यान से देखो। ओके, अभी सब्जेक्ट की आसपास के एरियाज में थोड़ा डार्क वैल्यू से ऐड करने वाला हूँ और उसको करने के लिए मैं वही चीज ब्लैक कलर से कर रहा हूँ। और अभी आप लोग देख सकते हो ये कैसे लग रहे हैं। और ये टेक्निक से आप लोग बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही लो एफर्ट में आप लोग इस तरीके से कलरिंग कर सकते हो। तो बस गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। बैकग्राउंड में अभी भी बहुत कम बाकी है और नीचे भी थोड़ा बहुत कम बाकी है, तो वो सब मैं लास्ट पार्ट में दिखाने वाला हूँ। तो मिलते हैं जल्दी इस ड्रॉइंग की लास्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।